आज पूरे देश में रामनवमी का त्यौहार मनाया गया। वहीं साइबर सिटी गुरुग्राम में भी बेगमपुर खटोला में शिव मंदिर में भजन कीर्तन व भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया और वीर सिंह तंवर ने भी श्रद्धालुओं को प्रसाद ग्रहण कराया। गुरुग्राम के बेगमपुर खटोला गांव वार्ड 26 में रामनवमी के अवसर पर शिव मंदिर में भंडारे का आयोजन किया गया, जहां पर भक्तों ने भजन कीर्तन किया और प्रसाद ग्रहण किया। इस मौके पर भाजपा के वरिष्ठ नेता व राजपूत महासभा गुरुग्राम के पूर्व अध्यक्ष वीर सिंह तंवर ने मंदिर में आए श्रद्धालुओं की सेवा की और सभी को प्रेम पूर्वक प्रसाद ग्रहण करवाया। आपको बता दें कि वीर सिंह तंवर समाज सेवा से जुड़े हुए हैं और कोरोना काल में भी इन्होंने जरूरतमंद लोगों की भरपूर मदद की थी और समाज सेवा में बढ़ चढ़ कर ये हमेशा ही भाग लेते हैं और ऐसे में वार्ड 26 के भाजपा के संभावित उम्मीदवार हैं। समाज सेवा के साथ साथ राजनीति में भी खूब सक्रिय रहते हैं और सामाजिक कार्यों में हमेशा अग्रसर रहते हैं। ये गांव बेगमपुर खटोला है और यहाँ मंदिर पे माँ वैष्णो नवरात्रों के नौवी है आज और नौवीं पे सब प्रसाद ले रहे हैं। यहाँ पे सब प्रसाद बाहर से दूर से आए हुए और यहाँ पे कीर्तन भी चल रहा है, भजन भी चल रहे हैं, बाबा मोहन राम के भजन चल रहे हैं, माता के भजन चल रहे हैं। हमारे यहाँ पर सब मिलजुल के जितने भी हैं हम लोग आपस में साथी गाँव समाज हर साल यहाँ पर माता का नौवीं के दिन भंडारा होता है। और वैसे अभी हमें तो पिछले आपका जो अभी हो गया था कोरोना पिछले टाइम में यहाँ पे हमने काफ़ी लोग इकट्ठे करके रोज़ाना के 1000-1200 आदमी का प्रसाद वितरण किया है। डेली का 42 दिन यहाँ पे चला है और पिछले कोरोना में भी चला प्रसाद। हमारे गांव के जो हमारे साथी हैं वो बड़े वो रखते हैं इसमें और पूजा पाठ में ध्यान रखते हैं और बाकी समाज की सेवाओं में लगे रहते हैं। हमारी 5-10 आदमी की टीम है, हम यही देखते रहते हैं गरीब को, किसी को कहीं भी कोई दुख तकलीफ, और समाज सेवा में हम लगे ही रहते हैं। प्रसाद वरसाद चलता रहता है हमारा, ये बड़ी कृपा है उस मालिक की, माँ भगवती की कृपा है और बाबा की कृपा है, बाबा मोहन राम की। तो आप कोरोना काल में भी आपने लोगों की मदद की? कोरोना काल में 42 दिन लगातार हमने जो है यहाँ पे अंदर हलवाई बिठाया और एक दिन पूरी सब्जी बनाई हमने, वो अपनी गाड़ी पैक करी। जितने भी बाहर के जो ठेकेदार थे, बिल्डर थे, ये सारे भाग गए, जिनकी लेबर थी इन पर यहाँ झुग्गी झोपड़ी वाले थे, हमने एक उसी कृपा हुई भगवान की, हमने उनको प्रसाद दिया 2 टाइम और रोज़ाना का 1000-1200 आदमी हमने प्रसाद बनाया था, खाना खिलाया सबको। एक दिन पूरी सब्जी, एक दिन बनाया हमने पुलाव चावल बढ़िया, और ये हमने प्रसाद वितरण किया था। और आज भी शाम को प्रसाद चलता है डेली हमारे मंदिर में, आप शाम को पूजा का समय आइए और देखिए प्रसाद चलता हुआ मिलेगा आपको, ऐसी कोई बात नहीं। हमारे यहाँ इसे पूजा पाठ में बहुत से लोग ध्यान देते हैं, बहुत ही ध्यान देते हैं। गुरुग्राम से वी न्यूज़ के लिए विजेंद्र कुमार की खास रिपोर्ट।